जन्म सभी लेते हैं, लेकिन अपनी शख्सियत को एक नया आयाम दे जाएं, वो लोग बहुत ही कम होते हैं। आज जन्मदिन है भारत के बहुत बड़े कलाकार, या यूं कहें अपने चार्म, अपनी एक्टिंग से सबका दिल छू लेने वाले देवानंद जी का। ये कहानी है एक ऐसे जोशीले नौजवान की जो मुंबई आया एक्टर बनने का ख्वाब लेकर। दम से गए हम दम के लिए, हम दम की कसम हम दम न मिला। बॉलीवुड के मोस्ट ऑफ द वन रोमांटिक एवरग्रीन एक्टर माने जाने वाले देवानंद कभी भूले नहीं भुलाए जा सकते। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। एक्टिंग से सबके दिलों में राज करने वाले देवानंद का आज हैप्पी वाला बर्थडे है। लड़कियों और महिलाओं के बीच उनका प्यार, उनका कुमार सर चढ़कर बोलता था। आँखों आँखों में हम तुम हो गए दीवाने। ऐसा नहीं है कि पुरुष उन्हें कम पसंद करते थे, उनसे जुड़े कई किस्से मशहूर हैं। एक दौर था जब उनकी गाड़ी की धूल से लड़कियां अपनी मांग भर लेती थीं। सफेद कमीज पर काला कोट उन पर खूब फबता था। ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना। और उस दौर में उनकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां छत से कूद जाया करती थीं, जिसको देखते हुए कोर्ट ने उन्हें काले कपड़े पहनने से मना कर दिया था। आइए देखते हैं देव साहब के कुछ मशहूर डायलॉग। मिस्टर गैम्बलर, मैंने आज तक किसी बड़े जुआरी को पीठ दिखाते नहीं देखा है, नहीं उठने दूंगा जब तक एक लड़की की जमानत वापस न ले लूं। बिना प्यार और मोहब्बत से निपटाया जा सकता है। आप मेरी मरम्मत करवाते चले जा रहे हैं, मैं आपको दिल में गाली देता जा रहा हूँ। क्यों ना ऐसी तरकीब लड़ाई जाए कि मेरी मरम्मत ना हो, आप गाली ना खाएं और बड़े इत्मीनान के साथ आमने सामने बैठ कर सब फैसले कर लिया जाए। आइए, मैं जरूर समझता हूँ कि एक डॉक्टर वो आदमी है जो दूसरों की वीरानियां दूर करता है, उसकी अपनी जिंदगी में वीरानी के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। You are watching Hot One TV.